हरे कृष्णा, आज जो मैं आपको पेशेंट दिखाने वाला हूँ वो थोड़ा सा हटके हैं। पिगमेंटेशन की बीमारी नहीं है, लेकिन आपके पिगमेंटेशन से वो बहुत संबंधित है। तो आप ये वीडियो देखिए और इसके बाद में फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पित्त कब से उछल रही है आपको? हो गया 3-4 साल पहले से ही, मतलब बीमारी बाद में सही हो जाती है, ठंड हो जाती है फिर ऐसे ज़्यादा दवाई खाऊंगा, कई बार ले ली दवाई नहीं और से। 4 साल से पित्त उछल रही है। तो आपने एविल की गोली भी खाई होंगी, लिवोसिट्रजिन भी खाई होगी, सिट्रजिन भी खाई होगी। एक बार सरकारी अस्पताल में दवाई लिया था तो बाहर से लिख दी थी 1000 रुपये दवाई, दवाई उसमें नुकसान हो गया था। क्या नुकसान दिया था? मतलब बुखार वुखार सब हो गया था, फिर मैंने खाया। मतलब पिछले 4 साल से उछल रही है आपको, है ना? कोई होम्योपैथी दवाई की आपने अब तक? नहीं की। और अभी मेरे पास से आप लेके गए थे 22 सितंबर को दवाई लेके गए थे आप, 22 सितंबर से अब तक कितना आपको आराम मिल गया? हाँ तो बतेरा रहा हूँ। बतेरा रहा हूँ। और खाने में क्या क्या चीज़ खा रहे हो आप? खाने में सब्जी, दाल, चावल, दूध, चाय। कुछ लिवोसिट्रजिन तो नहीं खाई आपने इस हफ्ते? लिवोसिट्रजिन तो नहीं खाई ना। एविल तो नहीं खाई? कोई नहीं खाई। अच्छा, तो कितना आराम हो गया? मतलब 20%, 30%, 40%, कितना? बहुत आराम कर रहा था, खड़ा भी ना हो जाता, तल में बोला खा जाओगी। अच्छा, तो मैं बुरी खाया था। चेहरा भी आपका जो पहले तो नॉर्मल लग रहा है, पहले चेहरा आपका लाल और काला रहता था, अभी पहले से बेटर है। जाने की वजह से हो रहा है, पकते रहे मतलब शरीर में। कोई शरीर में गर्मी है ना आपके? अभी तो दवाई को लिया हुआ आपको 1 ही हफ्ता हुआ है, अभी यहाँ पे 2-3 हफ्ते और कर लेंगे ना, तो ये पूरी तरह से जो 4 साल का मर्ज है आपका 4 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा है। बाकी आगे भी कर लेना इस चीज़ का इलाज, ठीक है? आराम तो आपको हो ही जाएगा, आराम तो मुझे लगता है कि 3-4 हफ्ते में पूरी तरह से हो जाएगा, बाकी कुछ समय के लिए और कर लेना, ठीक है? और जो चीज़ बाल कैसे सफेद वो तो देखो नॉर्मली हो जाते हैं आजकल सभी के, कई विटामिन की कमी हो जाती है, कोई बहुत सारी वजह होती है। तो ये आपने वीडियो देखी, इनको पिछले 4 साल से पित्त उछल रही है, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो इन्होंने ना किया हो। आयुर्वेदिक, यूनानी, एलोपैथी, होम्योपैथी इन्होंने सारे के सारे ट्रीटमेंट किए और ये अंत में परेशान हो गए, हार गए। लिवोसिट्रजिन, एविल, ये सारे के सारी टैबलेट इन्होंने ले रखी हैं जो कि एंटी एलर्जिक होती हैं, और बहुत बड़े बड़े इन्होंने स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया 4 साल से, बट ये जो प्रॉब्लम थी पित्त उछलने की ये समाप्त नहीं हुई। फिर मैंने इनको बताया, अपनी दवाइयाँ दी और साथ में मैंने इनको बताया कि साथ में आप एनीमा लगाइए। अब एनीमा क्या चीज़ होती है? एनीमा होती है आपके पेट को साफ करने की विधि। मैंने ये देखा है, मेरे पास में एक पेशेंट और आए थे इस तरह के, वो लेडी मुझे अभी तक याद है, वो लेडी मेरे पास में खा रही थी पिगमेंटेशन की दवाई। उनके हस्बैंड को समस्या थी कि उनके हस्बैंड को अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम थी, नेटल रैश की, यानी कि पूरे शरीर पर पित्त उछलती थी, और अब तो उनकी कंडीशन ये थी कि इंजेक्शन से भी वो बाज नहीं आ रही थी, यानी कि इंजेक्शन से भी उनका पित्त उछलना नहीं रुक रहा था। दूसरी चीज़ है कि उनके पूरे शरीर पर सूजन थी, ठीक है? हमारे आसपास की ही लेडी है वो। तो मैंने उनको सिंपल कहा कि अब एक काम करो, सारे के सारे दवाइयाँ आप छोड़िए, अंग्रेजी दवाई आप मत लीजिए। सिंपल है, एक तो आप इनको केवल दाल का पानी पिलाइए, दूसरी बात है आप इनको अन्न बंद कर दीजिए फिलहाल, ठीक है? दूध बंद कर दीजिए, चाय बंद कर दीजिए, चीनी बंद कर दीजिए, केवल आपने इनको फल देना है, फ्रूट देना है, सलाद देना है और दाल का पानी पिलाना है, और हो सके तो अगर ज़्यादा ही भूख लगती है तो इनको बेसन की चिल्ला बना के दे देना है या फिर बेसन की पकौड़ी बना के दे देना, ठीक है? केवल मैंने उनसे इतना कहा। और एक चीज़ मैंने उनकी और ऐड करा है कि कम से कम अगले 21 डेज तक लगातार आप सुबह सुबह उठिए, फ्रेश हो जाइए, फ्रेश होने के बाद में आपको एनीमा लगाना है। 200-300 ml पानी का सिंपल, एक प्लास्टिक की डिब्बी आती है मैं यहाँ पर लगा दूंगा, एक प्लास्टिक का बॉक्स आता है वो एनीमा होता है, वो आप लगाइए। जब उन्होंने एनीमा लगाया अगले दिन वो शाम को मेरे पास में आए, उनका चेहरा बदला हुआ था। चेहरा क्या बदला हुआ था कि पूरे शरीर से उनको सूजन उतर गई थी। एनीमा उन्होंने लगाया, 1 घंटे बाद उनके शरीर से पूरी की पूरी सूजन उतर गई। अब आप देखिए कि एनीमा कितना हेल्पफुल होता है आपके शरीर के अंदर से गर्मी को निकालने के लिए। पित्त की जो समस्या होती है, पित्त उछलना नाम से ही काफ़ी है कि शरीर के अंदर पित्त भड़का हुआ है, और इतना ज़्यादा भड़क गया कि अब तो पूरे शरीर पर सूजन आ गई, और लिवोसिट्रजिन, एविल, ये कोई टैबलेट काम नहीं कर रहे, है ना? और आपको जो पिगमेंटेशन है उसका कारण भी पित्त उछलना है, पित्त है, माइग्रेन है उसका कारण भी पित्त है, पाइल्स है उसका कारण भी पित्त है। चलिए एक बार को समझता हूँ कि पाइल्स वाले लोग
एनीमा नहीं लगा सकते, लेकिन जिनको माइग्रेन है, जिनको पिगमेंटेशन है, वो लोग एनीमा लगा सकते हैं। एनीमा बिल्कुल सेफ होता है और एनीमा लगाने के बाद में आपके शरीर के अंदर चुस्ती फुर्ती बनी रहती है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो भी एनीमा लगा सकते हैं, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या है वो भी एनीमा लगा सकते हैं, इवन कैंसर वाले रोगी उन वो भी एनीमा लगा सकते हैं, जिनको इचिंग रहती है पूरे शरीर के अंदर वो एनीमा लगा सकते हैं, पिगमेंटेशन वाले पेशेंट भी एनीमा लगा सकते हैं। तो एनीमा लगाने के बाद में आपका जो पित्त है वो एकदम से बैलेंस होता है, जैसे कि इनका हुआ। इनकी इचिंग है जो 4 साल से इनकी इचिंग थी, 1 हफ्ते के अंदर ही इनकी इचिंग लगभग इनकी खत्म हो गई, लगभग खत्म हो गई। ध्यान रखिए यहाँ पर कोई भी ब्लड प्यूरीफायर नहीं दिया गया है इनको, यहाँ पर कोई भी एंटी एलर्जिक टैबलेट नहीं दी गई है इनको, कोई भी ऐसी टेम्परेरी टैबलेट नहीं दी गई जिससे कि इनकी इचिंग खत्म हो जाए। जो इनके अर्टिग्रिया खत्म हुआ है वो नेचुरल तरीके से खत्म हुआ है। तो ध्यान रखिए अगर आपको पित्त भड़का हुआ है शरीर के अंदर, एनीमा इज बेस्ट ऑप्शन आपके लिए। और जितने भी लोगों को पिगमेंटेशन है, मुझे यकीन है अगर वो एनीमा लगाना शुरू करेंगे तो रिकवरी उनकी बहुत फास्ट होगी। ठीक है, एनीमा के ऊपर मैं और भी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, केवल पिगमेंटेशन के लिए ही नहीं, अगर आप एनीमा वैसे भी किसी अन्य रोग के लिए लगाते हैं डेफिनेटली आपका स्पीडअप तरीके से वो ठीक होगा, क्योंकि आपका गट क्लियर होगा। ठीक है, चलिए प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करें।